झरोखा चैनल में मैं राजेंद्र चंद्रकांत राय आपका स्वागत करता हूं। हम इस बार आरोह पाठ्य पुस्तक से मुक्तिबोध जी की कविता सहर्ष स्वीकारा है का व्याख्या वाला हिस्सा पूरा करेंगे। इसके पहले हमने उनकी कविता का आदर्श पाठ किया था और अब हम पहले जानते हैं कवि की विचार भूमि क्या है, भाव भूमि क्या है, उससे हमको कविता को और समझने का एक दूसरा पैमाना भी मिल सकेगा। तो देखिए, मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनैतिक चेतना से संपन्न कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ऐसे कवि की कविता का हम यहाँ पर अर्थ जानने के लिए, व्याख्या करने के लिए उपस्थित हैं। वो 20वीं सदी की हिंदी कविता के सबसे व्याकुल, सबसे बेचैन, सबसे तड़पते हुए और ईमानदार स्वर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाते हैं। तो ऐसे कवि की जो रचना हमारे सामने है उसका हम अर्थ यहाँ जानेंगे, व्याख्या करेंगे। पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हमें बताना होगा कि यह आरोह नामक पुस्तक से सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता से कवितांश लिया गया है और इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रसंग लेंगे हम दूसरा उपशीर्षक और उसमें बताएंगे कि यहाँ पर कविता के हमने दो हिस्से कर लिए हैं, लंबी कविता है, तो पहले वाले अंश का की व्याख्या करेंगे और उसके बाद दूसरे अंश की। तो हम ये लिखेंगे कि कवि ने अपने जीवन में जैसा भी उसका जीवन है उसमें जितने भी संकट हैं, अभाव हैं, तकलीफें हैं, विपत्तियां हैं, उनके साथ संघर्ष है, वो कहता है मैंने इन सब को हर्ष सहित आनंद के साथ स्वीकार किया है। क्योंकि ये पूरी कविता उन्होंने अपनी माँ को संबोधित की है और कहा है कि जो कुछ भी मेरा है वो माँ तुम्हें प्यारा है। इसलिए इस कविता में जो जीवन उनका है उसके प्रति एक सहर्ष स्वीकार दिखाई देता है। तो ये उसका संदर्भ और प्रसंग होगा और उसके बाद हम आते हैं कविता की व्याख्या पर। जिंदगी में जो कुछ है, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है। मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी है, जैसा भी है, मैंने उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया है। मैं उसे बोझ नहीं मानता, मैं उससे किसी तरह का दुख भी महसूस नहीं करता, बल्कि मुझे वह आनंद पूर्ण लगता है। क्यों लगता है, इसका कारण अगली पंक्ति में कवि ने इस तरह दिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और ये इसलिए मुझे सब अच्छा लगता है क्योंकि जैसा भी मेरा जीवन है वह तुम्हें बहुत प्रिय है, उसके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम है, इसलिए मुझे यह सुखकर लगता है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। मुक्तिबोध जी कविता के अगले चरण में कहते हैं कि हमारी जो गरीबी है वह गर्व करने लायक है, क्योंकि हम धनहीन हैं लेकिन हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी ईमानदारी में, हम अपने सिद्धांतों के प्रति, अपनी नैतिकताओं के प्रति इतने दृढ़ हैं कि हमको अपनी गरीबी में भी गर्व और अभिमान दिखाई देता है, नजर आता है। हम दीन नहीं हो गए हैं, गरीबी ने हमको दीन नहीं बनाया, बल्कि उसने हमको एक स्वाभिमानी बनाया है। और ऐसे
अभावों से ग्रस्त जीवन को जीते हुए जो भी अनुभव मैंने अर्जित किए हैं, वो सारे के सारे अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं है, गंभीर अनुभव है। और उसी के कारण मेरे अंदर जो विचारों का एक सैलाब पैदा हुआ है, जो विचारों का एक तीखापन आया है, वह भी मुझे इसी गरीबी से हासिल हुआ है। दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब। कभी कहते हैं जो मेरे अंदर दृढ़ता है, मजबूती है, परिस्थितियों के का सामना करने की जो ताकत है, वह सब इसी से मिला है। अंदर जो स्नेह की, प्रेम की, सद्भाव की नदी बहती है, वह भी इसी के कारण बहती है। और यह सब अभिनव है, अभिनव नया है, मौलिक है, किसी की नकल नहीं है, कहीं से हमने इसको जो है वो नकल नहीं कर लिया है, बल्कि ये सब हमारा अपना अर्जित किया हुआ है, मौलिक। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन के एक एक क्षण में जो कुछ भी सचेतता के साथ मौजूद है, जागृत अवस्था में जिसे मैं महसूस करता हूं, जो अपलक है अर्थात जिसने जरा सा भी अपनी आंखों को मूंद करके कभी विश्राम नहीं किया है, वो सारी संवेदनाएं तुम्हारी हैं, इसलिए मुझे यह सब प्रिय है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। कवि कहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं, अपनी संसार से जो विदा ले चुकी हैं उनसे कह रहे हैं। और माँ से क्यों कह रहे हैं, माँ से ही कह रहे हैं, ये कैसे पता आगे जो दूसरा हिस्सा है कविता का, वहाँ ममता शब्द आता है। और ममता माँ के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रेम का ही स्वरूप है, और वे उससे मुक्त होना चाहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पर यहां क्या कह रहे हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। हे मां, तुम्हारे साथ मेरा न जाने कैसा एक अलग प्रकार का रिश्ता है, कि मैं उस रिश्ते के प्रति अपने अंदर का जितना स्नेह उड़ेलता हूं, जितने मैं प्रेम जो है वो व्यय करता हूं, वह खाली नहीं होता, हृदय कभी छूछा नहीं होता, रीतता नहीं, बार बार फिर उतने ही प्रेम से भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि अपने से ही सवाल करते हैं कि अंदर जो प्रेम की नदी बह रही है, ऐसा लगता है कि शायद वह कोई झरना है, ऐसा झरना जो कभी पतला नहीं होता, जीर्ण नहीं पड़ता, क्षीण नहीं होती उसकी धार, लगातार बहती है। और वह जो सोता है, जो झील है, जो झरना है, वह मीठे पानी की झील है। उसके अंदर से जो है वो स्नेह उत्पन्न होता है, उसमें से प्रेम प्रकट होता है, उसमें से आनंद प्रकट होता है। तो कवि पूछते हैं, खुद से पूछते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई झरना है जो कभी रीतता नहीं। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, वो कहते हैं भीतर वह ऊपर तुम, मेरे अंदर ये प्रेम की नदी है, और ऊपर इस संसार से विदा लेने के बाद आसमान में जैसे चंद्रमा धरती के प्रति अपनी मुस्कान बिखेरता रहता है, अपनी चांदनी उड़ेलता रहता है, इसी तरह अंदर मेरे प्रेम की नदी भरी रहती है, और मेरे ऊपर आपके चेहरे से जो है वो हमेशा चंद्रमा की तरह खिला हुआ चेहरा अपना प्रेम बरसाता रहता है।
तो कवि ने कविता के पहले वाले हिस्से में ये एक माँ के साथ उनका कितना गहरा लगाव है, अनुराग है, उसे इसमें उन्होंने विश्लेषित किया है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पदलालित्य आए हैं, कौन से अलंकार आए हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी भाषा पर अगर विचार करें तो कविता की जो भाषा है वो सहज तो है पर सरल नहीं है, थोड़ा जटिल है, क्योंकि कवि जो कहना जा रहा है, जो उसने तथ्य लिया है, जो कविता का मर्म है, जिसे वो अभिव्यक्त करना चाहता है, उसके लिए ऐसी ही भाषा की जरूरत थी। फिर एक पंक्ति आती है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, यहां चंद्रमा के साथ तुलना की जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, यहां मौलिक मौलिक दो बार आया है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौथे क्रम में देखते हैं, यहां एक और पंक्ति है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, तो यह संदेह अलंकार है, क्योंकि कवि उस रिश्ते नाते के बारे में खुद से ही पूछ रहा है कि यह क्या है, कैसा है, उसे समझ में नहीं आ रहा, संदेह कर रहा है, तो संदेह अलंकार है। फिर पांचवा क्रम है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, तो यहां विरोधाभास अलंकार है कि हम जितना खाली करते हैं वह उतना भर जाता है, दो विपरीत बातें हैं। विशेष रूप से हम इस कविता में देखते हैं कि कवि ने अपनी माँ को यह कविता संबोधित की है और माँ के साथ उनके जो संबंध हैं उसे उन्होंने विश्लेषित करने का प्रयास किया है। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाने पर हमारी वेब लिंक आपको मिलेगी और उसके जरिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ आपको यहाँ हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में किसी तरह की और बातें उत्पन्न हो रही हों, जानने की इच्छा पैदा हो रही हो, तो उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसके भी उत्तर देंगे। धन्यवाद। अगली बार हम मुक्तिबोध जी की कविता का जो दूसरा अंश है बचा हुआ, उसकी व्याख्या करेंगे।